श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सुवान। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूडामणिम। शांत सनातन अप्रमेय है, यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्ताहा रघुपते हृदयस्मदीय सत्यम वदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। माता सीता की खोज में हनुमान जी निकल रहे हैं और सभी बानरों से कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि पर केहु तुम भाई, सही दुख दंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए, वे बोले हे भाई, तुम दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब लगी आवहु सीतहि देखी कोई ही काज मोहि हरष विशेषी, ये कही नाई सब हिन कहूँ माता, चले उ हरस हिया धरी रघुनाथा। आज जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। एक एकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी करके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरी चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से बे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। पवन सुत हनुमान की।
रघुपति दूत बिचारी तै मैं नाक होई संहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा उन्हें कर दीनी प्रणाम, राम काज कीन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठैनी आई कही ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा हेतु उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज तोरन मोहि दीनी आरा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कहि तुझे प्रभु ही सुनाबो। सुरसा कहती है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैहिं आई, सत्य कहाँ मोहि जाने दे माई, पवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसहि न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो मुझे फिर खा ले। जो जन भरी से ही बदन पसारा, काफी तनु की दुगुन विस्तारा, तोरा जो जन मुख से ही कहऊ, तुरत पवन सुत बस्थित भयऊ। उसने जो जन भर चार कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, सास दोन कपी रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन दीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पै की पुनी बाहर आबा, मांगा विदा आही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागि पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई तो हरसी चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी
हर्षित होकर चले। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। निशिचर एक सिंधु महुराई, करी माया नभु के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीनी कई परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर गाय चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारी दी पार गयो मति धीरा। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। सैल बिसाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेही देखी, कहीं न जाई अति दुर्दुर्विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत नाघना। चहु हट हट सुबट बीती, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूत निको गनई। बहु रूप निशिचर जूत अतिवल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सर, उप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहूं माल देह विशाल,
शैल समान अति बल कर जही नाना अखारन बिरही बहु विधि एक एक नर जही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नांग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटि न बिकट तन नगर चहु दिसिर छही कहूँ महिष मानुष धेनु कर अज खल निसाचर भचही। यही लागि तुलसीदास इनकी कथा कछु के कही कही रघुबीर सर तीरथ सरी नन त्यागी गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही कही है क्योंकि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। उर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्हीं विचार अति लघ रूप धरऊं निसी नगर करऊं पहिसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की।